हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। माय नेम इज़ अरुण पांडे और मैं पिछले कई सालों से कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूं और मैंने कई कंपटीशन के एग्ज़ाम्स निकाले हैं जिसमें एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ, यूपी सब इंस्पेक्टर, यूपी टीईटी, सीटेट, रेलवे और ऐसे कई एग्जाम्स मैंने निकाले हैं। सो मैंने ये चैनल खोला है मेनली टू फोकस ऑन द जीएस सेक्शन। सो जीएस सेक्शंस के साथ हम कई चीजों को पढ़ेंगे जिसमें जीएस एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जो ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो यू कैन नॉट जस्ट रिस्क ऑन द जीएस पोर्शन। सो जीएस पोर्शन इज द मस्ट। अब जीएस में हम जानते हैं जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, तमाम चीजें हैं। ये सारी चीजें एक एक करके हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम साइंस जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स एंड रीजनिंग लगभग सारी चीजों को टेक ओवर करते चलेंगे। सो दिस इज वन स्टेप प्लेटफॉर्म जहां मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा। आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कभी पूछना। आज पहला वीडियो है ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूं और अगर कोई सजेशंस होंगे इस वीडियो को लेकर या आपके कोई विचार होंगे, कोई थॉट्स होंगे सो फील फ्री टू प्रोवाइड मी। सो आज हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में बायोलॉजी। सो साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों चीजें मिलाकर जो पूरा साइंस तैयार होता है इन तीनों पोर्शन से क्वेश्चंस इक्वली एग्जाम में आते हैं। किसी भी पोर्शन को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ऑल द पोर्शंस हैव इक्वल वेटेज इन द एग्जामिनेशंस। सो हम इंग्लिश और हिंदी कंबाइन करके पढ़ेंगे। सो बिकॉज हिंदी इज अ लिटिल वीक फ्रॉम माई साइड, सो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो फील फ्री टू कमेंट एंड हम उसे रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो पहली चीज जो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में, दैट इज ग्लैंड्स। सो ग्लैंड्स जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रंथियां, हमारे शरीर में ग्रंथियां बेसिकली तीन तरह की होती हैं। पहली होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपने बुक्स में पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे, सेकेंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड थर्ड मिक्स ग्लैंड। सो पहला एंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन और तीसरा मिक्स ग्लैंड। और इन तीन ग्लैंड्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे हम पहला कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेकेंड एक्सोक्राइन एंड थर्ड इज मिक्स ग्लैंड। आपको यहां पर यह जानना जरूरी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, देन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड ए वेरी फ्यू ग्लैंड्स आर फाउंड दैट आर इन मिक्स्ड क्राइटेरिया, मिक्स्ड ग्लैंड्स। सो अगर हम दो चीजों को कैटेगराइज करते हैं ए एंड बी और हम किसी चीज को मिक्स के कैटेगरी में रखते हैं तो इसका मतलब होता है जिसमें ए का भी कुछ पोर्शन है और बी का भी कुछ पोर्शन है। ठीक वैसे ही जो मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं इनमें एंडोक्राइन का भी भाग पाया जाता है और एक्सोक्राइन का भी भाग पाया जाता है। जैसे अब हम इस चैप्टर में एंडोक्राइन पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, देखिए बेसिक डेफिनेशन क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेस और ये केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में जाते हैं और वहां पर अपना कुछ फंक्शन करते हैं। सो बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, बॉडी के किसी भाग में जाते हैं, कोई फंक्शन करते हैं। ठीक उसी तरह एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कोई केमिकल रिलीज करते हैं और ये केमिकल्स भी बॉडी के किसी और भाग में जाते हैं, वहां जाकर कोई फंक्शन करते हैं। एंड सेम एज फॉर मिक्स ग्लैंड्स, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, जो केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं उन केमिकल सब्सटेंसेस का नाम हॉर्मोन्स होता है। हॉर्मोन्स नाम से आप फैमिलियर होंगे, कई बार आपने सुना होगा हार्मोन। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स दैट आर रिलीज्ड इन ह्यूमन बॉडी।
कई तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, ये वो केमिकल पदार्थ हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक उसी तरह एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल्स निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आर वन टाइप ऑफ प्रोटीन, एक तरह के प्रोटीन होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन एंड डिफरेंसेस क्या है उसको अगर हम समझेंगे तो आप इस तरह समझिए कि जैसे गांव में आपने पंपिंग सेट देखा होगा, कुछ ऐसे पंपिंग सेट होता है, और अगर ये हमारा पंपिंग सेट है और यहां हमारा खेत है, तो हम अगर पंपिंग सेट को चालू करते हैं तो पानी हमारे खेत में डायरेक्ट पहुंच जाता है, ठीक है। बट अगर हमारा पंपिंग सेट यहां पर है और हमारा खेत बहुत दूर पर है, काफी डिस्टेंस पर है, तो यहां तक पानी पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली वी यूज ए डिलीवरी पाइप, एक डिलीवरी पाइप का हम यूज करते हैं जिसके थ्रू ये पानी वहां तक पहुंच जाता है। अब अगर हम ग्लैंड्स की भाषा में इसे समझें, तो अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको समझना है तो आप समझिए कि ये पंपिंग सेट एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो पानी निकल रहा है यानी एंजाइम निकल रहा है, ये एंजाइम डायरेक्ट बॉडी के उस पार्ट तक पहुंच जाता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। हमारे शरीर के ब्लड स्ट्रीम में घुलता है ये एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने के बाद और बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में पहुंच जाता है। बट इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिस पंपिंग सेट When act as endocrine, जब ये एक endocrine gland की तरह act करेगा, ये जो पाइप दिखा रहे हैं हम, ये पाइप एक्चुअली हमारे बॉडी में इस तरह की पाइप्स नहीं होती है, पाइप्स फिजिकल वर्ल्ड है, हमारे बॉडी में इस तरह की पाइप्स को डक्ट्स कहते हैं। सो जो हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जब निकलते हैं तो एक ये उस जगह तक पहुंचते हैं बॉडी के, यानी बॉडी के जो इस फिगर में जो खेत का ये टुकड़ा है ये हमारे बॉडी का वो पार्ट है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से जब हॉर्मोन्स निकलते हैं तो वो एक डक्ट के सिस्टम के थ्रू होते हुए स्पेसिफिक बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो एक डक्ट सिस्टम से होते हुए बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में पहुंच जाते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये चीजें डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में मिल जाती हैं और बॉडी में पहुंच जाती हैं। मिक्स ग्लैंड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे वो है थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है और ये हमारे शरीर के नेक रीजन में पाया जाता है, गले के हिस्से में। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि कह सकते हैं हिंदी में इसका नाम है, ये गले में पाया जाता है और कई सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हर एक ग्लैंड का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है बॉडी में और किसी भी ग्लैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, हर ग्लैंड का अपना यूज है और बहुत ज्यादा यूज है। सो जैसे पहला ग्लैंड हम जो पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, ये हमारे गले में पाया जाता है, गले में, और दो हार्मोन्स रिलीज करता है। जैसे हमने पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो हार्मोन्स रिलीज करेंगे, तो ये दो हार्मोन रिलीज करेगा। पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन और जो दूसरा हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन। नाउ एज द नेम सजेस्ट थायरॉक्सिन इज राइमिंग सिमिलर टू थायराइड, थायराइड थायरॉक्सिन, सो याद करने में आसानी होगी। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है और ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में, फूड के डाइजेशन में एंड वेरियस अदर चीजों को, आयंस, बॉडी में आयंस की मात्रा को कंट्रोल करना, ये सब काम थायरॉक्सिन का है। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारी बॉडी में या इस दुनिया में कोई भी चीज एक लिमिट में होती है, अगर उस लिमिट से ज्यादा हो तो भी खराब है और लिमिट से कम हो तो भी खराब है। तो ठीक उसी तरह अगर हार्मोन हमारी बॉडी में कम सेक्रेट होंगे जितनी मात्रा चाहिए उससे तो नुकसान है, और अगर ज्यादा सिक्रेट होंगे तो भी नुकसान है। तो अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें तो ये हार्मोन अगर हमारे बॉडी में कम रिलीज होगा तो इसको हम बोलते हैं हाइपोसेक्रेशन। हाइपोसेक्रेशन मतलब कम रिलीज होना, और जब ये कम रिलीज होगा तो इसके वजह से बॉडी में हमारी एक डिजीज आती है,
जिसको कहते हैं गॉइटर। सो गॉइटर में गले में घेंघा की बीमारी होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है और गले में सूजन आ जाती है। ठीक उसी तरह अगर हाइपोसेक्रेशन मीन्स कम सेक्रेट होना, इसका उल्टा अगर हाइपर सेक्रेट होगा, अगर हाइपर सेक्रेट होने लगेगा तो जो बीमारी होती है उसे कहते हैं हाशिमोटो डिजीज। सो हाशिमोटो डिजीज का नाम खाली थोड़ा बहुत वो लगता है, बाकी है कुछ नहीं। हाशिमोटो डिजीज इज अ टाइप ऑफ डिजीज जिसमें बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, शरीर फूलने लगता है काफी। आपने देखा होगा 40, 40 या 45 के एज के ऊपर मेंस एंड मेल एंड फीमेल बोथ जेंडर्स में ये चीज कॉमन पाई जाती है, शरीर फूलने लगता है जिसमें शरीर में ताकत नहीं रहती है। सो दिस इज हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन जिसकी वजह से शरीर फूलने लगता है। दूसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन में जो कैल्सी है यही बता रहा है आपको कि कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में